दोस्तों, मैं हूं रूपा। स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेरी माँ की रेसिपी। और आज दोस्तों मैं बनाने वाली हूं हरे मटर की घुघनी। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अगर आपको सुबह में टाइम नहीं है तो प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत जल्दी बनते हैं ये। तो ये देखिए, इसके लिए हमें चाहिए हरा मटर, एक कटोरी हमने लिया है। ये प्याज का पत्ता है, इसी से बनाएंगे आज हम। आप अगर ये नहीं है तो इसके बगैर ही बना सकते हैं। तो ये देखिए, आधा चम्मच हमने धनिया लिया, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा गोलकी और आधी ये लहसुन, ये क्रश करके रखे हैं, आप इसे पेस्ट भी ला सकते हैं। ये मिर्चा कश्मीरी लाल मिर्च है और हल्दी है, थोड़ा सा गरम मसाला और एक टमाटर हमने काट के लिया है, इसे हम फ़ौरन में देंगे। तेजपत्ता और जीरा, लहसुन और हरा मिर्चा को हम फ़ौरन देंगे। इसके बाद हमने प्याज का पत्ता, ये जो प्याज होता है वो हमने इसमें डाला है, आप वो भी प्याज डाल सकते हैं। ये देखिए कितना तेल हमने दिए, बहुत कम ही तेल दिए हैं हम इसमें कुकर में। तो सबसे पहले हम तेल देने के बाद जीरा तेजपत्ता का फ़ौरन देंगे, उसके बाद लहसुन हमने दो तीन लहसुन की काट कर डाला है और थोड़ा सा हरा मिर्च है। ये आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो थोड़ा सा और मिर्चा मिला सकते हैं इसमें। फिर हमने इसमें प्याज डाला है, इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा देर में डालते जाइए, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए हमने अभी आधी लहसुन का दरदरा पेस्ट डाला है इसमें, आप इसके जगह में इसका गीला पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने धनिया का भुका हुआ डाला है इसमें, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी साथ में डालिएगा क्योंकि इससे कलर अच्छा आता है। ये देखिए साथ तुरंत हम इसमें गोलकी गरम मसाला ऐड कर दिए हैं, बस थोड़ा सा चलाना है एक मिनट के लिए। फिर टमाटर हमने डाला है, बस इसमें डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा चलाते जाइए, ज़्यादा इसमें भूनना नहीं है इसमें। इसके बाद हमने इसमें प्याज पत्ता डाले हैं, अभी ठंड का सीजन में प्याज पत्ता आसानी से मिल जाते हैं। तो ये डाल के हमने फिर स्वाद अनुसार नमक डाला है। ये देखिए ज़्यादा भुनना नहीं है इसमें प्याज पत्ता को, तेज आंच में बना रहे हैं। ये देखिए तुरंत बन गया। इसके बाद हम मटर ऐड कर रहे हैं, मटर को भी ज़्यादा भुनना नहीं है दोस्तों, इस तरह से मिला देना है। देखिए इसके बाद हम तुरंत पानी ऐड करेंगे, उसके तुरंत हम ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए ऐसा ही रहेगा, हल्का पानी दीजिएगा क्योंकि मटर भी पानी छोड़ता है गलने के बाद। और इसे तेज आंच में एक सीटी मारा, ये दूसरा सीटी में हम गैस बंद कर दे रहे हैं। सिर्फ एक सीटी और थोड़ा सा सीटी लगेगा, उसमें उतार दीजिएगा आप। बस ठंडा हो गया हल्का, तब हम इसको खोल के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारा मटर की घुघनी बन के तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं पराठा के साथ, फुलकी के साथ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सुबह सुबह आप तुरंत ये बना लीजिए, बच्चों को टिफिन में दीजिए। सुबह में तो बहुत ज़्यादा काम रहता है तो ये झटपट बन जाएगा आपको दोस्तों। ये हरे मटर की घुघनी हम खाने में भी स्वाद है ये। तो दोस्तों बताइएगा जरूर आपको ये कैसा लगा ये रेसिपी। तो दोस्तों आज मैं टिप्स बताने वाली हूँ पपीता के बारे में, और पपीता के गुण भी और अवगुण भी। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आप डेली पपीता का भुजिया खाइए, पपीता का भुजिया खाने से खून बनता है। और दोस्तों अगर आपके बच्चे की लंबाई कम है तो आप उसे डेली पपीता पका पपीता खिलाइए, इससे लंबाई बढ़ते हैं बच्चों के। और अगर पपीता का फेस मास्क भी बहुत अच्छा रहता है, इससे चेहरा में शाइनिंग आता है दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें अवगुण यही है कि प्रेग्नेंट औरत को कभी भी ना कच्चा पपीता खाना चाहिए ना ही पका पपीता, उसके लिए ये हानिकारक है। तो दोस्तों आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, पका पपीता बच्चों को खिलाइएगा और बताइएगा मेरे को ये टिप्स कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाय।